बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ फ़िश फ्राई, जिसके लिए मैंने लिया है 1 किलो दंधिया मछली ली है। अगर आपके पास ये दंधिया मछली ना हो तो आप कोई सी भी मछली यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून अजवाइन ली है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, ये नमक लिया है। हसबे ज़रूरत लेंगे क्योंकि जो हमने मछली ली थी इसमें पहले नमक लगा लिया था, फिर इसको थोड़ी देर छोड़ के हमने इसको धो लिया ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, तो इसमें नमक असर हो चुका है, इसलिए नमक हम हसबे ज़रूरत लेंगे। 1 लीमो लिया है, 2 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है, 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट है। ये एक प्याला लिया है, इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। अब इसमें डालेंगे मसाले यानी हल्दी, नमक, कुटी लाल मिर्च, अजवाइन और गरम मसाला। अब इसमें लीमू का रस डालेंगे। बनेगा। अब इसमें डालेंगे मछली, इसमें मसाला लगाएंगे पूरा। मसाला इतना अच्छे तरीके से लगाना है कि इसमें पूरा मसाला अंदर तक भी जाए और इसमें टेस्ट आए पूरे मसाले का। इस तरीके से सारी मछलियों पे मसाला लगाएंगे। मछली में मसाला लगा दिया है, अब इसको तकरीबन आधे से पौन घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जो मसाला लगाया है वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसमें जायका आ जाए। मछली को जो है आधे से पौन घंटा हो गया है, इसमें मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, टेस्ट आ गया है मसाले का। अब इसको फ्राई करेंगे। यह हमने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून तेल लिया है, इसको गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मछली। इसी तरीके से सारी मछलियाँ फ्राई करते रहेंगे। हमने इसकी साइड चेंज कर दी है, अब इसी तरीके से दूसरी साइड से भी पकेगी। इसी कलर, इस तरह का कलर लेकर आएंगे और फिर इसको निकाल देंगे। डिश रेडी है, हमने इसके ऊपर गार्निश कराया है, लीमू रखे हैं इसके ऊपर और थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर छिड़का है। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत जल्दी बन गई थी मछली और इसका बहुत ही आसान मसाला हमने बताया था आपको, जिससे बहुत ही मज़े की मछली बना सकते हैं आप। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।